Good morning friends, welcome back to the channel. Now today we will start with new industrial policy or new economic policy. यह पॉलिसी जुलाई 1991 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी, जिसका मेन एम था कंपटीशन बढ़ाना और बिजनेस फॉर्म्स की एंट्री और ग्रोथ में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करना. Now we see main features of this policy. The first is de-licensing. De-license means license system abolish करना, खत्म करना. 6 industries को छोड़कर बाकी सभी industries के लिए license system abolish कर दिया गया. अब कौन सी वह 6 industries है जिनके लिए license जरूरी है? Alcohol, cigarette, hazardous chemicals and drugs, pharmaceutical, aerospace and defense equipment. इन industries के लिए license लेना जरूरी था. Now the second is decrease in role of public sector. Public sector, private sector आपने 11th standard में पढ़ा है. Public sector यानी वो organization, वो undertaking जो government चलाती है. Only 4 strategic units were reserved for public sector undertakings. Now what is this strategic units? जो unit, जो organization economy के लिए और भारत की safety के लिए बहुत जरूरी है उसे कहते हैं strategic units. 1991 में केवल 4 strategic units ही public sector के पास reserve रखी गई, जो है atomic energy, arms and ammunition, railway and communication. Now the third is disinvestment. Disinvestment means विनिवेश करना, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा वापस निकाल लेना. Disinvestment by government, public sector unit मतलब government ने अपनी organization, अपनी company का कुछ हिस्सा किसी और को या पूरी government company किसी और को sell कर दी है. To sell a part or whole of public sector unit, for example, भारत सरकार ने इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज को 26% तक की सेल कर दी. विदेश संचार निगम लिमिटेड वॉज सोल्ड टू टाटा ग्रुप. सबसे ज्यादा डिस इन्वेस्टमेंट बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने किया. वी विल स्टडी मोर अबाउट डिस इन्वेस्टमेंट अंडर प्राइवेटाइजेशन. नाउ द फोर्थ इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले फॉरेन कंपनीज के लिए भारत में आके इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया. कुछ एक्टिविटीज में तो यह कैपिटल 100% तक अलाउड हुआ. अब फॉरेन कंपनीज के लिए भारत में आकर अपना प्रोजेक्ट लगाना, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना आसान हो गया. The next is liberal policy for technical collaboration. Foreign company के साथ technical agreement, technical collaboration पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन अब यह policy बहुत liberal कर दी गई, उदार कर दी गई. जिसका example है टाटा डोकोमो. इसे टाटा डोकोमो is a technical foreign collaboration between टाटा टेली सर्विसेस ऑफ इंडिया एंड एंटिटी डोकोमो फ्रॉम जापान. Next is setting up a foreign investment promotion board, FIPB. यह एक ऐसी एजेंसी है जो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से डील करती है. FDI को भारत में लाने के लिए बनाई गई है. द लास्ट इज डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. पहले कुछ गुड्स एंड सर्विसेज केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड करते थे, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद यह गुड्स और सर्विसेज मीडियम एंटरप्राइजेस और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए भी ओपन कर दिए गए, जैसे क्लॉथ, वॉचेस, होजरी आइटम्स. आप ऑब्जर्व करते हैं कि पहले डेली नीड्स आइटम स्मॉल शॉपकीपर्स ही फाइनल कंज्यूमर को सेल करते थे, लेकिन अब बहुत से सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर भी यह रिटेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. थैंक यू.